Good morning, everyone. Welcome to my next lecture. So in today's lecture, we will do revision of chapter number 3 of geography. It is of class 6 and the chapter name is Motions of the Earth. So Earth is having two types of motion. One is rotation. This is the Earth's axis. When the Earth spins on its axis, that movement of the Earth is known as rotation. And when the Earth revolves around the sun, sun है सन के चारों तरफ जब चक्कर काटती है. That when the earth revolves around the sun, this movement is known as the revolution of the earth. कि आज जब अपनी ही जगह पर, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर स्पिन करती है, वो हमारा होता है अर्थ का रोटेशन. जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो हमारा होता है रेवोल्यूशन. नेक्स्ट टर्म इज ऑर्बिटल प्लेन. एज वी नो दैट अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ थोड़ी झुकी हुई है. तो अर्थ जो टिल्ट होती है वहां पर अर्थ बनाती है 66 डिग्री का एंगल. लाइक इन दिस में ये जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज 66 डिग्री. सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन. की अर्थ का जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है. And makes an angle 66.5 degree with its orbital plane. Orbital plane कौन सा है? ये है. अर्थ जो हमारी जो है अपने एक्सिस पर ऑर्बिटल प्लेन के साथ जब 66 डिग्री का एंगल बनाती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. दिस इज एक्सिस एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन. तो हमने डिस्कस किया रोटेशन. रोटेशन होता है व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रोटेशन. रेवोल्यूशन व्हेन द अर्थ टेक राउंड्स अराउंड द सन, दिस मूवमेंट इज नोन एज अ रेवोल्यूशन. एंड द अर्थ इज टिल्टेड विद ऑर्बिटल प्लेन ऑफ 66.5 डिग्री. दिस इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. और ऑर्बिट क्या हो रहा है? जिस रास्ते से दिस इज सन. तो जिस रास्ते से अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लगा रही है दैट प्लेन इज नोन एज ऑर्बिट ऑफ अर्थ. नाउ नेक्स्ट टर्म इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो व्हाट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन? Previous chapter we have studied or we have revised that the longitudes and latitudes. Longitudes में हम पढ़े थे, तब हमने उसमें पढ़ा था कि जो सारे longitudes होते हैं वो circular form में होते हैं. ठीक है, तो आज पे भी circular form में. This is sun. सर्कुलर फॉर्म में हमारी अर्थ ये एक लाइन नहीं है, ये सर्किल है. पीछे से ये पूरा कवर होके आ रही है. सो द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे इनटू नाइट. सन की जो रेज आ रही है तो यहां तक सन की रेज आ रही है. अर्थ का जो बैक साइड है
बैक साइड पे सन की रेस नहीं जा रही है, तो वो सर्किल जो सन जो अर्थ को डे और नाइट वाले पार्ट को डिवाइड करता है, उस पार्ट को या उस सर्किल को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई द सर्किल दैट डिवाइड्स ऑन अर्थ डे और नाइट, दैट सर्किल नोन एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। नो व्हाट इज अर्थ डे? सो एज ऑल यू नो दैट अर्थ कंप्लीट्स वन स्पिन इनटू 24 आवर्स, कि अपना जो एक स्पिन है यार वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है वन स्पिन, इस अपने ही एक्सिस में जो है वो अर्थ 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं कि रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। सो द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज, तो ये जो रोटेशन का पीरियड है 24 आवर्स का जो पीरियड है, इस 24 आवर्स के पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे। क्लियर? व्हाट इज अर्थ डे? कि अर्थ जो अपना वन स्पिन कंप्लीट कर रही है 24 आवर्स में, तो ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, रोटेशन का पीरियड है हमारा 24 आवर्स, वो 24 आवर्स को हम कहते हैं अर्थ डे। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कि क्या होता अगर अर्थ हमारी रोटेट नहीं करती, तो क्या होता हम देखते हैं कि अर्थ अगर हम रोटेट नहीं करती तो हमारे जो डे और नाइट है वो हमारे नहीं बनते। मीन्स अर्थ जब हमारी स्पिन नहीं करती, सेम पोजीशन में रहती, तो सन की रेस जो है डायरेक्टली इस पोजीशन पे आती रहती, डायरेक्टली सन की रेज है दैट कम्स ऑन दिस पोर्शन, और इस पोर्शन पे हमारे सन की रेज कभी भी आती ही नहीं। सो दिस पोर्शन रिसीव द हीट ऑल ओवर द ईयर एंड दिस पोर्शन डिडंट रिसीव द हीट। ठीक है, पूरे साल भर यही पोर्शन हीट रिसीव करता रहता है, ये पोर्शन हमारा जो है यहाँ पर हीट हमारी आती ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये फ्रीजिंग रहता और यहाँ वाला जो पार्ट है हमारा वो पार्ट हमेशा टॉरिड रहता, गर्म रहता। सो डे और नाइट हमारे जो बनते हैं, ठीक है, हमने एक रेस्ट का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि नाइट में हमें रेस्ट करना है, डे में हमें वर्क करना है, तो वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा सारे दिन भर, दिन में भी गर्मी, रात में भी, रात अगर हम डिसाइड करें, जैसे पोल्स पे होता है, पोल्स पे 6 मंथ्स के डे होते हैं, 6 मंथ्स की नाइट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे दिन भर, पूरे रात भर हमें किसको फेस करना पड़ता, गर्मी को, और यहाँ की जो पीपल्स हैं उन्हें ठंड को फेस करना पड़ता। सो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, तो जिस पोर्स पे सन की लाइट आ रही है वहां हमेशा दिन रहता है, जिस पोर्शन पे सन की लाइट हमारी नहीं पहुंच पा रही है, रीच नहीं कर पा रही है, वो पोर्शन हमारा हमेशा फ्रिज रहता है या वहां पर हमेशा अंधेरा रहता। सो द अदर हाफ वुड रिमेन डार्कनेस, रहती वहां पर अंधेरा रहता, ठंड रहती, और वहां पर जो लाइट है पॉसिबल नहीं हो पाती। एंड द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, अब हम बात करते हैं सेकेंड मोशन की अर्थ की। ये था हमारा रोटेशन, रोटेशन के थ्रू हमारे डे और नाइट्स बनते हैं, हमारे सेकेंड मोशन है जो हमारा रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन हमारा होता है अर्थ जो हमारा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मैंने बात की थी कि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ऑर्बिटल प्लेन पे, वो हमारा रेवोल्यूशन होता है। इट टेक्स 365 इन अ 1/4 डे, कि एक जो अपना चक्कर ये रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसमें इसको लगते हैं 365 1/4 डे, मीन्स 365 डे 6 आवर्स। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो उसमें हम 365 डेज है वन ईयर में, इसके अकॉर्डिंग हमारे वन ईयर में हम 365 डेज काउंट करते हैं, और ये जो 6 आवर्स हमारे रिमेनिंग बच गए, सो एवरी फोर्थ ईयर 6 + 6 + 6 + 6 6 + 6 6 = 12 18 24, कितने हो गए 24 आवर्स। मीन्स वन डे बन गया हमारा 24 आवर्स का, सो एवरी फोर्थ डे हम काउंट करते हैं 366 डेज इन अ ईयर। सो दीज 366
days when comes in year, that year is known as the leap year. Leap year हम उसको मानते हैं. So every fourth year is having 366. जो हमारा fourth year आता है उसमें हमारे 366 days होते हैं और उसे हम कहते हैं leap year. Clear? So from the figure, कि अभी हम figure बनाएंगे उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो अर्थ का है, जो अर्थ going around the sun, कि ना सन के जो चारों तरफ राउंड कर रही है, ये रोटेशन रेवोल्यूशन कर रही है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा एलिप्टिकल बना हुआ है. इसकी जो शेप है वो है एलिप्टिकल. सो अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, इसे कहते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट. सो एज अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, की हमारा जो ईयर है 365 डेज होते हैं उसमें, तो उसको हमने सीजन में डिवाइड किया हुआ है, लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो सीजन्स चेंज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. और ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, डे और नाइट. हमने देखा कि अर्थ जब स्पिन करती है तो उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वहां पर डे होता है, ठीक है, बैक पार्ट पर नाइट होती है. फिर जब अर्थ का बैक पार्ट सामने आता है सन के, तो वहां पर डे हो जाता है, बैक पे नाइट हो जाती है. तो वैसे तो हमारे जो रोटेशन है उसके थ्रू हमारे बनते हैं डे एंड नाइट. सो लेट्स वी सी हाउ द सीजन्स क्रिएटेड, सीजन्स हमारे कैसे क्रिएटेड होते हैं. सो ऑन 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर, 21 जून को हमारा नदर्न हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कि सन की साइड हमारा टिल्टेड रहता है 21 जून. दिस पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. सो द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इस कंडीशन में जो सन की रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल्स करती हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स मोर हीट. इस टाइम पीरियड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मोर हीट रिसीव करता है, ज्यादा से ज्यादा हीट रिसीव करता है. एंड द एरियाज नियर द पोल्स, और इस टाइम पीरियड पे जब, ठीक है ना, एरियाज जो होते हैं पोल्स के नियर जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नियर जो हमारे एरियाज रहते हैं, वो लेस हीट रिसीव करते हैं ड्यू टू द टिल्ट, झुके होने की वजह से वो लेस हीट रिसीव करते हैं. एंड द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट. और जो आर्कटिक सर्किल वाला पोर्शन है वहां पर कॉन्टिन्यूस की सन की जो लाइट है वहां उसको रिसीव होती है. सो इसी वजह से यहां पर होते हैं 6 मंथ्स के डे कॉन्टिन्यूस लाइट रिसीव होने की वजह से. और जो लास्ट पोर्शन है नदर्न हेमिस्फीयर का, वहां पर लाइट उसको प्रोवाइड होती है समर्स में, समर सीजन में जो इक्वेटर के नियर है. सो लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा और शॉर्टेस्ट नाइट होती है दीज प्लेसेस पर. 21 जून को हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है. सो एट दिस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स. इसी टाइम पीरियड पे जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे हम बात कर रहे हैं 21 जून की, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो नदर्न हेमिस्फीयर की सन की जो रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही है. और जो हमारा पोल है, ठीक है, दैट इज टिल्टेड, यहाँ पर इस सीजन पे तो हमारे कॉन्टिन्यूस ये वाला रीजन जो हमारा है नदर्न हेमिस्फीयर वाला, डायरेक्टली यहाँ पर सन भी, यहाँ पर भी सन रेज हमारी हो रही है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ. तो ये जो रीजन है यहाँ पर 6 मंथ्स तक हमारे डे रहेंगे, और जो रीजन है हमारे सदन में वहां पर रहेगी 6 मंथ्स की नाइट. सो 21 जून को हमारा होता है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि सन की जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर आ रही है और मॉर्निंग से ही सन की रेज है और लंबे टाइम तक इवनिंग तक नहीं यहाँ तक पड़ रही है. तो अर्थ जब स्पिन करती है तो बहुत एक बड़ा रीजन जो है वो सन की जो रेज है उसको रिसीव कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर होता है 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा समर सोलिस्टाइस. नदन वाला जो पार्ट है यहाँ पर होगी हमारी समर्स, और जो सदन वाला पार्ट है वहां पर हमारी होगी विंटर्स. की जो कंडीशन हमारे नदन में है इस टाइम, सदन में उसकी जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल रिवर्स होगी. नदन में हमारे समर्स है तो सदन में हमारी होगी विंटर्स, क्योंकि इस सीजन में हमारी लाइट आ रही है. तो नॉर्थ पोल जो हमारे है वो भी 6 मंथ्स तक हमारी लाइट रिसीव करेगा, यहाँ होंगे 6 मंथ्स के डे. ये जो पोर्शन है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ, सो दिस पोर्शन डिडंट रिसीव द लाइट
टिल सिक्स मंथ्स तक हमारा ये पोर्शन जो है लाइट रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमारी होगी नाइट। अब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा समर सीजन, क्योंकि बड़े सीजन पर यहाँ लाइट रिसीव हो रही है, ये हमारा हो जाएगा समर सोल्स्टिस। अब हम बात करते हैं ऑटम और स्प्रिंग की। 21 सितंबर को नॉर्थ पोल हमारा जो है, नॉर्थ पोल पे हमारे होगा ऑटम और साउथ पोल पे हमारा होगा नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा होगा ऑटम सीजन चलेगा, और सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर चलेगा हमारा स्प्रिंग सीजन। इसी तरह से 22 दिसंबर की हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर को हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर विंटर होगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है ठीक है वहां पर हमारी होगी समर्स, क्योंकि यहां पर हमने देखा था, देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है सन की साइड झुका हुआ, यहाँ पर जो हमारे सन की लाइट में आ रहा है वो हमारे कौन सा पार्ट आ रहा है, वो हमारे सदर्न वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ सदर्न वाले पार्ट में समर होगी और नदर्न वाले पार्ट में हमारे विंटर होगी 22 दिसंबर। सो ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था हमारे लाइट रिसीव कर रहा था, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ज्यादा लाइट रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा होगा विंटर सोल्स्टिस। एंड 21 मार्च की अगर हम बात करें तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर दैट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, यहाँ पर हमारी जो सन रेज है वो इक्वेटर पे फॉल कर रही है, इक्वेटर ठीक है ना। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को डायरेक्ट सन रेज है इक्वेटर पर फॉल कर रही है, इसी वजह से जो पोल्स है टिल्टेड हो जाते हैं, द होल अर्थ एक्सपीरियंस, और हमारी जो अर्थ है पूरी की पूरी अर्थ इस दिन हमारे 21 मार्च को और 23 सितंबर को द होल अर्थ रिसीव्स इक्वल टाइम डे एंड इक्वल टाइम नाइट, मीन्स 12 आवर्स के ही डे होते हैं और 12 आवर्स के ही नाइट होते हैं। 23 सितंबर को हमारे ऑटम सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन होता है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसी का अपोजिट होता है 21 मार्च को कि नदर्न में हमारे स्प्रिंग है और सदर्न में हमारे ऑटम सीजन है। तो सारी कंडीशंस पोजीशन के अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग अर्थ जो रेवोल्यूशन कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है। जहां हमने देखा कि 21 जून को सदर्न वाला पार्ट है, सदर्न वाले पार्ट पे विंटर है हमारे, नदर्न वाले पार्ट पे समर है, वही यहाँ पर कंडीशन जो है रिवर्स हो गई है, हमारे नदर्न वाले पार्ट में विंटर्स हो गई है 22 दिसंबर को और सदर्न वाले पार्ट में हमारी समर्स है। सेम वे 23 सितंबर को हमारे नदर्न वाले पार्ट में ऑटम है, जबकि हमारे 21 मार्च को नदर्न वाले पार्ट में स्प्रिंग है और सदर्न वाले पार्ट में ऑटम, जहाँ सदर्न वाले पार्ट में ऑटम है। सो देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, की सीजन जो हमारे चेंज होते हैं वो हमारे होते हैं रोटेशन, अर्थ जो हमारी रेवोल्यूशन करती है उसकी वजह से डे और नाइट जो हमारे चेंज होते हैं वो होते हैं हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से। सो इन दिस मैनर वी कैन अंडरस्टैंड वट आर द सीजन्स, हाउ द सीजन्स चेंज, की अर्थ की जब पोजिशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सीजन चेंज हो जाता है। लाइक इस सीजन पे अब हमें सन रेज नहीं मिल रही है, कोल्ड हो रहा है, इसीलिए हम इसको एज अ विंटर कहते हैं। इस सीजन पे हमें हीट मिल रही है तो ये रीजन हमारा 22 दिसंबर वाला यहाँ पर है, जो कंट्रीज इस रीजन में है वहां उनके लिए समर होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में कई बार हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में गर्मी हो रही होती है, बाकी जो कंट्रीज हैं अदर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में उस टाइम पे ठंड हो रही होती है। सेम मैनर में जब हमारे यहाँ ठंड होती है तो उनके यहाँ समर्स चलते हैं, वो सब होता है ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ये सब होती है। सो 22 दिसंबर को जब हमारे नदन में विंटर्स होती है, सदन में समर्स होती है, दैट इज द विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि हम नदन पार्ट में रहते हैं ठीक है ना। 21 जून को जब हमारे नदन में समर्स रहती है, सदन में विंटर्स रहते हैं, दैट डे वी नोन एज द समर सोल्स्टिस। सो इन दिस मैनर वी अंडरस्टैंड what is summer solstice and what is winter solstice. So let's again we revise all the things. Firstly हमने revise किया था rotation. Rotation when earth spin on x axis. ये हमारी earth का axis है. When earth spins on x axis.
दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन. अर्थ इज हैविंग टू टाइप ऑफ मोशन और मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. व्हेन अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन. सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. When Earth takes round around the sun, Earth हमारी जब सन के चारों तरफ सर्किल बनाती है, means round काटती है, तो Earth का जो movement होता है, when the Earth takes round around the sun, that movement is known as the revolution. When Earth spins on its axis, that is rotation. When Earth takes around the sun, that movement is known as the revolution. Third is circle of illumination. So the circle that divides the day or night on the earth, वो सर्किल जो हमारी अर्थ पे डे और नाइट को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर है डे, यहाँ पर है हमारे नाइट. सन की जो रेज आ रही है वो इस पार्ट पे आ रही है, इस पार्ट पे नहीं आ रही है. सो दिस सर्किल दैट डिवाइड्स द डे and night on the earth, that circle is known as circle of illumination. जो day और night को divide कर रहा है उस circle को हम कहेंगे circle of illumination. Now orbital path. ऑर्बिटल पाथ होता है हमारा ऑर्बिट. पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्बिट, थ्रू विच पाथ द अर्थ टेक्स राउंड अराउंड द सन, दैट पार्ट इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ. एंड व्हेन दिस अर्थ इज टिल्टेड 66.5 डिग्री, अपने एक्सिस में जो है टिल्ट हो रही है 66.5 डिग्री, अपने 66.5 डिग्री टिल्ट के साथ जब ऑर्बिटल ऑर्बिट पर मूवमेंट करती है, राउंड लेती है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल पाथ. और जिस पाथ पे ये मूवमेंट करती है हमारी अर्थ, वो हमारा होता है, उसकी जो शेप होती है दैट इज एलिपिटिकल. एलिपिटिकल ऑर्बिट उसे हम कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज अर्थ डे. So as we know that when Earth spins, it complete one spin in 24 hours. कि अपना एक जो स्पिन है अर्थ हमारी कंप्लीट करती है 24 आवर्स में. These 24 hours we known as the Earth day. अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है, रोटेशन करती है, वो जो उसका स्पिन होता है दैट कंप्लीट्स इन 24 आवर्स. सो दिस टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज अर्थ डे. तो ये 24 आवर्स हमारा होता है अर्थ डे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स कम्स इन दिस चैप्टर एंड चैप्टर. सो वी अंडरस्टैंड ये टर्म्स जो है वो हमने रिवाइज की है, रोटेशन टर्म, रेवोल्यूशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, लीप ईयर, समर सोलिस्टाइस. नदन में जब हमारे समर सोलिस्टाइस होता है तो विंटर में हमारे होता है विंटर्स. ठीक है, मीन्स सदन में हमारे, नदन में हमारे जब समर्स होती हैं तो हमारे सदन पार्ट में होती हैं विंटर्स. यही कंडीशन जो है सेम रिपीट होती है, जब हमारे नदन में विंटर होता है तो वो विंटर सोलिस्टाइस होता है, जब समर में हमारे
मीन्स जब नदन में समर होता है तो वो समर सोलिस्टाइज होता है. इक्विनॉक्स व्हेन द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर इक्वल, जिस दिन हमारे डे और नाइट इक्वल होते हैं, 12 आवर्स का डे होता है 12 आवर्स की नाइट होती है, वो हमारा होता है इक्विनॉक्स. देन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.